नमस्कार आदाब और जय सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। यह हिस्ट्री की तीसरी लेक्चर है चैप्टर 7 की, जिसमें हमें देखना है कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के बारे में। आज हमको इसमें देखना है कि जो विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान उसमें क्या रहा है, उसके बारे में हमको देखना है। इसमें विज्ञान में अरबियों का जो विज्ञान और दर्शन में जो अरबियों का इसमें योगदान रहा है उसके बारे में, जिसको कहते हैं कि साइंस एंड फिलोसफी द अरब्स कंट्रीब्यूशन क्या रहे, उसके बारे में देखना है। ठीक है, यह पेशकश आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है, जो कि कक्षा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, और इससे लाभान्वित रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों का पढ़ना शुरू किया, और इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुयायियों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरब भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते थे। अगर हम बात करते हैं, जो प्लेटो थे, प्लेटो को अफलातून कहा जाता था। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अफलातून के बारे में जानकारी दे, तो आपको पता होना चाहिए कि अफलातून कौन थे, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से एरिस्टोटल अरस्तु को कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, एरिस्टोटल जो थे, टोटल अरस्तु को कहा जाता था। ये दोनों नाम याद रखिएगा, या पाश्चात्य जो राजनीति के या चिंतक थे उनके बारे में है। उसके बाद कहता है इन द 14th सेंचुरी, या देखिए इनका 300 के आसपास समय था, उसी समय यह थे। उसके बाद इनकी बात अगर हम करते हैं, तो अरब इन लोगों ने इनके द्वारा जो लिखी गई पांडुलिपि जो भी थी उनका अनुवाद करने का काम करा था। कंट्रीब्यूशन क्या था कि जो पांडुलिपियां थी उनका इन्होंने ट्रांसलेशन करने का काम करा था, जिसके कारण से इनके योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मोर देन इम्पोर्टेंट कारण था कि इनके योगदान ने दुनिया को जानने का मौका दिया, एक नई परंपराओं को समझने का मौका दिया, और जिसके बारे में इन्होंने इसके योगदान के माध्यम से बताने का काम करा, जिसमें कहता है इन द 14th सेंचुरी, और यह 14वीं शताब्दी में, यानी 14th सेंचुरी की बात होती है, सेंचुरी 14वीं शताब्दी की बात है, याद रखिएगा। उसके बाद इस्लामिक उदय जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है, इस्लामिक उदय जब हम चलेंगे उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है इन द 14th सेंचुरी मेनी स्कॉलर्स बिगिन टू रीड ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ ग्रीक राइटर्स लाइक प्लेटो एंड देयर ओन स्कॉलर्स, बट टू अरब ट्रांसलेटर्स हु हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट प्लेट्स, प्लेटो वाज अफलातून एंड एरिस्टोटल अरस्तु इन अरेबिक। ठीक है, अरेबिक में इनको किया गया, प्लेटो को, और दूसरे कौन थे, एरिस्टोटल थे जिसको अरस्तु बोला जाता था। एरिस्टोटल अरस्तु बोला जाता था। इनके जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट करने का काम करा। आगे बढ़िए, अब अनुवादित ग्रंथ, ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी के अलमजेस्ट खगोल शास्त्र, टॉलमी का नाम याद कर लीजिएगा, टॉलमी के अलमजेस्ट यानी खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था, इसमें
अलम ज्येष्ठ यूनानी भाषा में 140 बीसी में लिखा गया था, ईस्वी में लिखा गया था, पर ईसा ईस्वी के पूर्व यूनान भाषा में लिखा गया था, यूनान भाषा में लिखा गया था, यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। ये अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है और जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। यह अल का उल्लेख है, जो अल होता है उसका उल्लेख है, और यह यूनानी और अरबी, यूनानी प्लस अरबी भाषा के भाषा को यह बताने का काम करता है, दोनों के बीच के संबंध को बताने का काम करता है, यूनानी और अरबी भाषाओं के संबंध को बताने का काम करता है। दिस वर्क वर्क्स ऑन नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री, पेटलेमी, एलमेजिस्ट वर्क टू एस्ट्रोनॉमी रिटन इन ग्रीक बिफोर 140 CE, कॉमन ईरा जिसको बोलते हैं CE, एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक कैरीज इज द अरबिक डिफिनिट अरबिक आर्टिकल अल विच ब्रिंग्स आउट द अरबिक कनेक्शन। यह दोनों के बीच में यूनानी और अरबी कनेक्शन को बताने का काम करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरब के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा हकीम और मध्य एशिया के बुखारा इन्हें विद्वान माना जाता था, इन्हें ज्ञानवान माना जाता था। यह दार्शनिक इवन सीना लातिनी के एविसीना 982-1037 और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेस सम्मिलित हैं। यह सारे जो लेखक हैं इनमें सम्मिलित हैं, जिसको कहता है कि एमंग द मुस्लिम राइटर्स हु वर रिगार्डेड एज मेन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड वर इवन सीना ना इन लैटिन 982-1037 एंड अरब फिजिशियंस एंड फिलोसोफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया। यह अरब का क्या था? यह एक फिजिशियन था, फिलोसोफर था, बुखारा इन सेंट्रल एशिया का था, यह अरब का हकीम। ठीक है, इस तरह से करके इसको देखा जाता है। आगे बढ़े, चलिए। कलाकार और यथार्थवाद, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, दोनों में अब दूसरा टॉपिक है इसी में, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। यह क्या थे? कला, वास्तु कला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई, मतलब यह प्रभावी भूमिका निभाने का काम करा, जिसमें कला और यथार्थवाद के द्वारा इसको फैलाया गया। ठीक है, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। ठीक है, आपको भी पता है कि जो कलाकार होते हैं वो घूम घूम कर अपनी कलाओं को बेचते हैं और पुरानी बातों को बताने का काम करते हैं। ठीक है, राजा महाराजा उनके बारे में या अन्य ऐसे विशेष के बारे में या उसको बताने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है? आगे कहता है कि आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स वर वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडियाज। ठीक है, ओके। देन कला प्राकृतिक में रची बसी होती है। कला का मतलब ही होता है कि वह प्राकृतिक में रची बसी होती है।
जिसको कहता है कि आर्ट इज इम्बेडेड इन नेचर, आर्ट इज इम्बेडेड इन नेचर, कला प्राकृतिक में रची बसी होती है, इसी चीज को लिखता है आर्ट इज इम्बेडेड इन नेचर, कला प्राकृतिक में रची बसी होती है, प्राकृतिक में लची बसी होती है। देखिएगा, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। फिर कहता है इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं, गणित होता है, गणित जिसको मैथ्स बोलते हैं, गणित के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं कला को, ठीक है। आगे he who can extract it has is moreover you may demonstrate much of your work by geometry, the more closely your work abides by life in its form, so much the better will it appear, so much better will be appear। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियां, उसमें एक मूर्ति है जिसमें आदमी और एक औरत की संतुलित मूर्तियां हैं, ठीक है, उसमें मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वस्तुविदों को प्रोत्साहित किया और 1416 में डोनाल्टो ने सजीव मूर्ति बनाकर नई परंपरा रची, यानी 1416 डोनाल्टो द्वारा एक सजीव मूर्ति, मतलब जो कि ऐसी लगी जो जीवित है, उस तरह की मूर्ति बनाकर उन्होंने उसको बनाने का कार्य करा। या उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फिगर्स ऑफ परफेक्टली प्रोपोर्शनेड मेन एंड वेमेन स्कल्प्ट सो मेनी सेंचुरीज अगो मेड इटालियन स्कल्प्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशंस इन 1416 डोनेटेलो 1386 टू 1466 ब्रॉक न्यू ग्राउंड विद द लाइफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस बेसेलियस 1514 टू 64 पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए शरीर की चीर फाड़ यानी डाइसेक्शंस की, इस समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी का प्रारंभ हुआ। इनका नाम देख लीजिएगा, इनके द्वारा पहली बार चीर फाड़ करा गया था, इनके द्वारा पहली बार चीर फाड़ का काम किया गया था। यह पादुआ विश्वविद्यालय के थे और पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ था, इंग्लैंड में था, कल हमने देखा था, यानी यूरोप में था, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ध्यान दीजिएगा आगे, फिर कहता है कि यह स्वनिर्मित रुचि चित्र लियोनार्डो द विंची यानी 1452 टू 15 यानी यह बहुत लियोनार्डो द विंची यह नाम बहुत फेमस है क्योंकि चित्रकारी में इनके जैसा सजीव चित्रण करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ है और इनकी
जो पेंटिंग होती है बहुत कॉस्टली बिकती है, बहुत कॉस्टली, दुनिया में इनका करोड़ों लाखों में इनका पेंटिंग जाता है, ठीक है। कुछ भी बना देते थे तो कुछ भी ऐसा होता था कि लोग उसमें अपनी जिंदगी को तराशने लगते थे। लियोनार्डो दा विंची का है स्वनिर्मित रुचि चित्र है इनका, कहता है सेल्फ पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट है, सेल्फ पोर्ट्रेट है इनके द्वारा। उसके बाद शरीर, उसके बाद वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर के लेकर रचना की, और उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्हें एक उड़न मशीन यानी फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप डिजाइन बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा, ठीक है। आगे देखिएगा, दिस सेल्फ पोर्ट्रेट इज बाय लियोनार्डो दा विंची 1452 to 1519, who had an amazing range of interest from botany and anatomy to mathematics and arts. He painted the Mona Lisa and the Last Supper. यह मोना लिसा का पेंटिंग इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, मोना लिसा, ठीक है, वो मोना लिसा बना रहे थे। देखिएगा, वन ऑफ हिज ड्रीम्स वॉज टू बी एबल टू फ्लाई। ही स्पेंड इयर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन फ्लाइट एंड डिजाइन अ फ्लाइंग मशीन। ही साइंड हिज नेम लियोनार्डो दा विंची डिस्क्लेप ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची रखा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, रेखा गणित ज्योमेट्री के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य यानी पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने के उनके चित्र में थ्री डायमेंशनल रूप दिखाया जा सकता है, ठीक है। कहता है दे फाउंड दैट अ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव एंड दैट बाय नोटिस द यूज ऑफ वायर एज अ मीडियम फॉर पेंटिंग ऑल्सो गेव अ ग्रेटर रिचेस ऑफ कलर टू पेंटिंग्स देन बिफोर। मतलब पेंटिंग के बाद वह क्या समझ सकता है, चित्र बना करके रूप दिया जा सकता है, यानी त्री आयामी डायमेंशन रूप दिया जा, जैसे कहा रेखा गणित में के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक कर सकता है, ठीक तरह से समझ सकता है कि उसके अंदर कैसी ज्ञान है, नॉलेज है, उसके बारे में वह समझ सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है इस तरह शरीर विज्ञान रेखा गणित भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, यानी इतालवी कला को नया रूप देने का काम किया, जिसे बाद में यथार्थवाद यानी रियलिज्म कहा गया, बाद में इसे रियलिज्म कहा गया। रियलिज्म कहा गया। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, फाइनल है, यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। चलिए आगे देखिएगा, अब है आर्किटेक्चर यानी वस्तुकला के ऊपर हम बात करते हैं, वस्तुकला के ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा, यानी 15 सेंचुरी में जो रोम नगर था वह फिर से रीजनरेट, मतलब फिर से वह उठ खड़ा हुआ, और 1417 से पोप राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 यानी 1378 से
दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया, जिसमें कहा द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्चुरल वे इन द 15th सेंचुरी, इसे रिजनरेट उसको किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, और कहा था कि उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, रिनेसा चल रही थी, बताया था ना, उसी समय इंग्लैंड में पुनर्जागरण चल रही थी जिसमें नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा था, लोग चर्च की सत्ता को नकार रहे थे, उससे छुटकारा पा रहे थे, क्योंकि आपको बताया था कि चर्च द्वारा किस तरह से उनका शोषण किया जाता था, इसके बाद लोग उसको नकार करके आगे विज्ञान भौतिकवाद की दुनिया में अपने कदम को रख रहे थे और नई नई आविष्कार, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और वो नई नई आविष्कारों को अपने तरफ आगे बढ़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर बिकॉज द सॉरी हाँ 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था, और द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्चुरल वे इन द 15th सेंचुरी From 1417, the popes were politically stronger because the weakness caused by the elections of two revival popes since 1378 and had ended. आगे उसके बाद कहा इसमें वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, तो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा जाता है, जिसे अब शास्त्रीय शैली के नाम से जाना जाता है, यह पहले रोम कला में कुछ परिवर्तन करके इन कला को आगे बढ़ाने का काम करा दिया। ठीक है, दिस इंस्पायर्ड न्यू स्टाइल्स इन आर्किटेक्चर विच वॉज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ द इम्पीरियल रोम स्टाइल एंड कॉल्ड क्लासिकल, इसी को क्लासिकल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है क्लासिकल कैसे हुआ, क्लासिकल जो आर्ट्स हुई वह कैसे हुई, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि रोम कला में परिवर्तन करके उसको फिर नाम दिया गया शास्त्रीय शैली, जिसको क्लासिकल स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, यह सब पेंटिंग की विधि है, कला है, उसके बारे में बताया जाता है। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे देखते हैं। इससे नई कला को, नई शैली को प्रमोट मिला, जिसको क्लासिकल स्टाइल कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, उसके बाद इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वस्तुकार सभी कुछ थे, मतलब जिसमें वह चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वस्तुकार भी थे, सब चीजों को बनाना जानते थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआना रोती हैं। माइकल एंजेलो बुआना रोती 1475 टू 1565, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल, याद कर लीजिएगा सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लोक चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाने का काम करा था,
और इन्होंने इतना नामक प्रतिमा प्लस में सेंट पीटर गिरजे के गिरजा समझ है गिरजाघर गुंबद का डिजाइन बनाने का काम करा था। इनकी वजह से माइकल एजेंडलो अमर हो गए और यह गुंबद की शैली यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछता है। यह जो सेंट पीटर गिरजे घर की, क्योंकि यह दोनों अरबी और यूनानी दोनों मेल खाते थे, तो गुंबद का फिर मस्जिद का नक्काशी, इसके बारे में भी यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में पूछता है कि किस तरह से यह काम हुआ और किसकी क्या विशेषता रही है, अरबियों की क्या विशेषता रही है, यूनानियों की क्या विशेषता रही है, इसके बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन करता है और किए हुए है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उसने किए हुए है। उसी चीज को देखिएगा कि यहाँ पे सिस्टीन चैपल दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाने का काम करा और सेंट पीटर गिरजे घर के गुंबद का डिजाइन भी बनाने का इन्होंने ही काम करा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ में आ रहा है। सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वल एज अ पेंटर्स स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स एंड आर्किटेक्चर द इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इन द माइक क्या नाम है माइकल एजेंडलो बुआनारोती 1475। ये तीन चीज थे, याद रखिएगा, इक्वल एज स्किल, इनके पास क्या क्या था जो स्किल की बात करते हैं, इनके पास स्किल थी कुछ, या पेंटर भी थे प्लस में या स्कल्पचर्स भी थे, उसके बाद यह आर्किटेक्ट्स भी थे। यह तीनों गुणों से यह परिपूर्ण बंदा था, यह तीनों गुणों से यह भरी पड़ी इनकी कला थी। उसके बाद देखिएगा, देन आफ्टर इमोर्टलाइज्ड बाय द सेलिंग्स ही पेंटेड फॉर द पोप इन द सिस्टीन चैपल द स्कल्पचर कॉल्ड द पेट्रा and his designs of the dome of the St. Peter's Church all in Rome St. Peter's Church Rome all in Rome। चलिए अब वास्तुकार फिलिप्पो ब्रेनेलेसी, या दूसरे हैं वास्तुकार फिलिप्पो बेनेलेसी देखिएगा फिलिप्पो बल्लेसी थर्टीन थर्टी सेवन टू फोर्टीन फोर्टी सिक्स द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड द स्कल्पचर डोम ऑफ फ्लोरेंस Had started his career as a sculptor। इन्होंने क्या करा, फिलिप्पो बेनेलेसी जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद डोम का परिरूप प्रस्तुत किया और था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में पेश किया। तो इनका क्यों हुआ, इनका इसलिए हुआ, फिलिप्पो ब्रुनेलेसी थी माय डियर, इन्होंने एक फ्लोरेंस के भव्य गुंबद यानी डोम्स बोलते हैं DUOMO का परिरूप प्रस्तुत किया, उसके प्रतिरूप परिरूप को इन्होंने प्रस्तुत करने का काम करा।
माइकल साहब ने या क्या थे, एक पेंटर थे, स्कल्पचर थे, आर्किटेक्चर्स थे। इन्होंने सेंट पीटर गिरजेघर में, गिरजे मतलब गिरजाघर जो चर्च होता है उसमें, इन्होंने गुंबद का डिजाइन बनाने का काम करा। चर्च में भी गुंबद होती है, फादर और मदर जो होते हैं, फादर और सिस्टर होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद द पाइटा नामक प्रतिमा बनाने का इनके द्वारा या इनके द्वारा इनकी उपलब्धि रही और इन्होंने एक पेंटर के तौर पर अपने काम को आगे बढ़ाने का अंजाम दिया। मतलब काम इसी में इनकी दिलचस्पी आ गई, काम से मोहब्बत हो गई, इसलिए काम को करना इन्होंने अच्छा समझा। ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि अगर जिस काम में मिलती है वही तुम्हारे लिए बढ़िया काम है। मतलब नहीं है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डजंट मैटर। मतलब ये होता है कि आपकी इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। जो इंटरेस्ट है वही आपके लिए खुदा है, इसलिए जो काम करो दिल से करो, बाकी तुम सब चलते रहता है। आगे फिर देखते हैं, प्रथम मुद्रित पुस्तकें, द फर्स्ट पेंटेड बुक्स। ऐसा ही अन्य तीन प्रमुख तकनीक नवीकरणों, आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक, इन तीनों ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको चलिए आगे बढ़ते भी है। जैसे इनमें जिसमें हम बात करते हैं एबेकस, एबेकस, फिर कंपास, आपको पता है आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र, और आपको पता है कंपास, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 यानी 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस, लिखते चलना थोड़ा बहुत, हाँ, जोहानेस गुटेनबर्ग, जोहानेस गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग 1400 लेकर के 1558 तक जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, इन्होंने पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का, फर्स्ट छापे खाने का निर्माण किया, इन्होंने फर्स्ट छापे खाने का निर्माण किया। जोहानेस गुटेनबर्ग 1400 में जन्म हुआ, 1558 में निकल लिए, 1400 में जन्म हुआ, 1558 में निकल लिए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट छापे खाने का यानी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का, यह जर्मन मूल के थे और इन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण करने का काम करा। सारे क्वेश्चन एक नवरिया एग्जामिनेशन में पहले पूछे जाते थे और यह सारे क्वेश्चन एक नवरिया एग्जाम में पहले पूछे जाते थे। और लूसेंट बुक है, कभी उसकी भी श्रृंखला चालू करेंगे, बहुत अच्छी पुस्तक है। ऑब्जेक्ट सिंगल डे वन डे एग्जाम के लिए वो है, रामबाण मानी जाती है लूसेंट। अब तो खैर उसे उतना नहीं आता है, टेक्निकल ज्यादा होने लगा है, क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा अलग होने लगा है, लेकिन फिर भी लूसेंट की फैक्ट अगर आपको याद है तो आंसर राइटिंग वगैरह इन सब चीजों में बहुत कुछ काम आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। और ये जो छापे खाना बनाए जिसमें बाइबल क्रिश्चियन का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें जिसमें जो बाइबल है उसकी 150 प्रतियां छापी गई, मतलब 150 बाइबल की फोटोकॉपी छापी गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस वॉज ऑल्सो द कॉज विथ देयर थ्री अदर्स इम्पोर्टेंट इनोवेशन, फायर आर्म्स एंड कंपास एंड एबेकस। अर्लियर टेक्स्ट्स एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटेन कॉपीज इन द 1455 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्क्स ऑफ जोहानेस गुटेनबर्ग 1400 to 1458। द
द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंट प्रेस प्रिंटिंग प्रेस और ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे है मनुष्य की एक नई संकल्पना अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहां तक आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसमें कहता है मानवतावादी पहला, इसमें अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कितना टाइम लगेगा इन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें बात करते हैं, जिसमें कहता है मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना, इटली के निवासी भौतिक संपत्ति भक्ति शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। जैसे कहने का मतलब होता है जो मानवतावादी आपने देखा था, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर वॉज अ एस्केकिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। इटालियंस वर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट टू मटेरियल्स विद वेल्थ पावर एंड जॉर्जरी ग्लोरी बट देवर नॉट नेसेसरी। मतलब वह पावर को ज्यादा, जो इटालियन थे वह पावर को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, मतलब कहने का मतलब वेल्थ वगैरह धन वगैरह इन सब चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस उनके द्वारा दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि लोरेंजो बल्ला 1406 एक नाम है, लोरेंजो बल्ला 1462-1457 उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर, इनकी पुस्तक थी बाय इनके द्वारा लिखी गई थी ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईशा चर्च की निषेधाज्ञा की आलोचना की, मतलब निषेध कर दिया गया। इन्होंने ऑन प्लेजर में, इनकी पुस्तक थी, जो भोग विलास होता है ना, भोग विलास कहने का मतलब है कि जो लग्जरियस लाइफ होती है, उनके इस पुस्तक में उनके द्वारा बताई गई कि जो चर्च थी, चर्च द्वारा उस पर निषेध लगा दी गई थी, जिसके कारण से भोग विलास पर भी आपको कुछ न कुछ देना पड़ता था। जैसे हमने दो तरह की टाइड और टाइल, यह गवर्नमेंट द्वारा और यह चर्च द्वारा, ये दोनों के द्वारा दी जाने वाली एक टैक्स थी, ये दो प्रकार की टैक्स थी जो यूरोप के लोग पे किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इन वन प्लेजर्स लोरेंजो वल्ला 1406-1457 Who believed that the study of history leads man to strive for a life of perfections, criticized the Christian's injunction against pleasure. ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब है, आगे बढ़िए, उसी में है
कोट है उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए दी इस्ते 1474 टू 1539 उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। यह एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बताई जाती है जिसमें आप देखिएगा कि वहां की जो महिला के द्वारा शासन किया गया था उसके द्वारा, आपको भी पता होगा कि भारत की पहली मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान हुई थी, जिन्होंने 1236 से लेकर के 1240 तक भारत पर शासन किया था, मतलब दिल्ली पर शासन किया था। पूरे भारत को कहना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत का साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसलिए उसको कहना उचित नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा। देन बेलथासार, वही है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। अब हम आते हैं डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, जिसमें ईसाई धर्म के बीच के अंतर्गत वाद विवाद, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, ठीक है। देखिएगा डिबेट्स, ईसाई मानवतावाद जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर 1478, एक थॉमस मोर थे, थॉमस इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में थॉमस मोर लिखते हैं, 1478 टू 1535, और हॉलैंड के इरेस्मस 1466 टू 1536, ध्यान दीजिएगा, का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। जो चर्च है एक लालची आडंबर से भरी हुई एक संस्था है जो केवल आम लोगों के लिए नियम अप्लाई करती है, ना कि सभी लोगों के लिए करती है। यह लूट खसोट का एक अड्डा माना गया था। आगे देखिएगा, उसमें कहा क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज लाइक थॉमस मोर 1478 टू 1535 इन इंग्लैंड एंड इरेमस 1466 टू 1536 इन होलैंड felt that the church had become an institution marked by greed, exporting money at will from ordinary people. आगे देखिएगा, the aspirations of women, महिलाओं की आकांक्षाएं, इसमें कहता है, heading है, एस्पिरेशंस ऑफ, इसमें कहा महिलाओं की आकांक्षाएं, कहता है व्यक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। मतलब जो महिलाएं थी उनको समाज में ऊंचे कोटि का नहीं मान करके निम्न कोटि का माना गया, उनके बारे में सोचा गया कि वो घर बार के लिए ही सही है, बाहर की स्थिति उनकी सही नहीं है, इसके लिए उनको ऐसा माना गया। और लोग अपने छोटे बेटे को चर्च को सौंप देते थे, इससे पहले है व्यक्तिकता नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया, द न्यू आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी
एंड सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड वेमेन वोमेन लोग अपने छोटे बेटे को चर्च को सौंप देते। अगर जिनके पास दो लड़का होता था वह अपने बच्चे को एक चर्च को सौंप देते थे कि चर्च के कामकाज में वह उसका हाथ बटाए। आगे पर उस काल की महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। बेनिस निवासी कसांद्रा फेजले एक नया नाम है, बेनिस की रहने वाली थी कसांद्रा फेदेल। कसांद्रा फेदेल थी 1465 टू 1558 ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। या उस समय से चली आ रही, इसीलिए तो आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो घर में रोटी बनाते। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अ फ्यू वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसेटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन इवन दो द स्टडी ऑफ लेटर्स प्रोमिस एंड ऑफर्स नो रिवॉर्ड्स फॉर वुमेन एंड नो डिग्निटी रॉट द वैनिटेशंस रॉट द बेनिस कसांद्रा फेडल 1465 टू 1558 एवरी वुमेन आउट टू सी एंड एलिब्रेंस दिस स्टडीज सी वॉज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ वुमेन हु क्वेश्चन द आइडिया डेट वुमेन were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar. Then after Fedele, बेनिस की लेखिकाओं में से एक जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना की थी, इन्होंने रिपब्लिक की आलोचना की थी, फेदेल इसको इसलिए भी जाना जाता है, फेदेल ने रिपब्लिक की आलोचना की थी, गणतंत्र बोलते हैं रिपब्लिक को, स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए ही महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती थी। और इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की इसाबेला ठीक है, यह भी उसी समय की थी जिन्होंने उन सब चीजों की आलोचना करी थी, ठीक है। आगे देखिएगा, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें कहता है कि ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर आपने देख लिया, आगे 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षुक मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया और जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्विंगली
1484 टू 1531 और उसके बाद जॉब कैल्विन 1509 टू 64 और उसके बाद जॉब कैल्विन ने काफी लोकप्रिय बनाया इसके विचार को। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट ही है आगे। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया। लूथर ने आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं किया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोथोला 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की और उनके अनुयायी जेसुइस्ट कहलाए थे और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान ज्यादा व्यापक करना। ये सारे इसकी घटना थे। आगे 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी जो आपके फैक्ट डेट वाइज दिए गए हैं उसको आप स्वतः पढ़ने का काम करें, यह पढ़ने से आपको आगे की जानकारी मिलेगी। आगे है कोपरनिकसीय क्रांति, यह क्या क्रांति थी ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है कोपरनिकसीय क्रांति यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस 1473 टू 1543 के काम से आया और ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बीच में स्थिर है। पृथ्वी जो है जो ब्रह्मांड है उसके बीच में स्थिर है इन्होंने कहा, लेकिन स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह सेटेलाइट क्या है सेलेस्टियल प्लेनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, कोपरनिकस का यह बहुत बार आने के बाद भूचाल आ गई, लोग उसको उस समय नहीं माने लेकिन बाद में इसको फिर लोगों ने एग्री करा इसके लिए। इसमें कहा द टर्निंग पॉइंट्स इन यूरोपियन साइंस कम विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस 1473 टू 1543 अ कंटेम्पोररी ऑफ मार्टिन लूथर। क्रिश्चियंस हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज अ सैंफुल प्लेस एंड द हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमोबाइल। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। ठीक है, यह इनके द्वारा कहा गया, उनके सब चर्च वगैरह यही समझती थी। आगे जाकर जब उन्होंने कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत को दिया लोगों ने निगारा भी, बाद में लोगों ने उसको अपनाया। कहते हैं कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समय सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो कोपरनिकस के सिद्धांत याद रखिएगा कि चर्च का क्या मानना था कि अर्थ के चारों ओर लोग घूमता है, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि नहीं सुनो ऐसे मत करो, अर्थ के तरफ नहीं सूर्य के चारों ओर सब जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी को लेकर के सारे ग्रह इनके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा कोपरनिकस एसेस्टेड दैट द प्लेनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट अराउंड द सन। वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूशनिव्स परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। फॉर दिस रीजन्स ही डिड नॉट वॉन्ट हिज मैन्युस्क्रिप्ट दी रिवोल्यूशनिव्स द रोटेशन टू द प्रिंटर। देन जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी
और उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा, थोड़ा नहीं बहुत समय लगा, एक के दो दिन में नहीं समझ गया लोग। अब जो परंपरा बचपन से चली आ रही है, अब आपको कोई कहेगा ही और सी का यह कहेगा, तो वह परंपरा जब आप बदलिएगा तो बदलने में कुछ समय लगेगा, बिल्कुल लगता है। तो वह समय लगा और कितने वर्षों बाद लोगों ने इनके विचार को, जब जीवित में कोई नहीं अपनाता, मरने के बाद दुनिया कहती है कि हमारे अपने थे। चलिए आगे देखिएगा, फिर है काफी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय यानी 500 साल लग गए बीने पर खगोल शास्त्री जोहानेंस कैपलर। अब कैपलर साहब आते हैं, एक कैपलर साहब थे जोहानेंस, जिसको बोलते हैं कैपलर, जोहानेंस कैपलर 1571 से लेकर के 1630 यानी 1571 टू 1630 तथा गैलीलियो गैलीली करते हैं 1564 टू 1642 ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। लोग जो स्वर्ग और पृथ्वी के मतलब चर्च को आप जितना पैसा घूस दीजिएगा ना उतने अच्छे आपके पाप कटेंगे, ऐसा था, लालची था। अगर स्वर्ग को, स्वर्ग जाना होगा तो चर्च को पैसा खिलाइए, आप पाप करना होगा तो चर्च को कुछ मत दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से पृथ्वी के अंदर को अंतर को समाप्त कर दिया और कैपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल, इस ग्रंथ को याद कर लीजिएगा, कैपलर साहब का यह ग्रंथ है और यह पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गया है, कॉस्मो एक नंबर का डिफिनेट बनेगा भैया, ध्यान से सुनिएगा, मिस्ट्री, हाँ यानी कॉस्मोग्राफी मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब कुछ अनसुलझा जो है ना उसको सुलझा दिया गया, उसके बाद यानी खगोलीय रहस्य, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलीय रहस्य बोलते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कैपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। और इन्होंने किसके सिद्धांत को बढ़ाने का, कॉपरनिकस के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का काम किया कैपलर साहब ने। इन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी के चक्कर कोई नहीं काटता है, जो आप बात स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे हैं वह गलत है, जो कुछ है सब यही है। और इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वह सारे जो है जितने भी ब्रह्मांड में वह सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं, ना कि इसकी परिक्रमा कोई करता है। तो कैपलर साहब ने कॉपरनिकस के बात को आगे बढ़ाने का काम किया और उनको प्रमोट किया कि नहीं, इन्होंने सही कहा है, जो कैपलर साहब ने वही सही है, मतलब जो कॉपरनिकस ने कहा है वही सही है, यही कॉपरनिकस और कैपलर का सिद्धांत है। और इसी पे बात विवाद चलती है, ज्योग्राफी वाले में ऐसा बहुत चलता है, ये ज्योग्राफी ट्रॉफी कभी है, रियलिटी में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप लोग या आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में उत्पत्ति कैसे हुई इसलिए हिस्ट्री में उसको बताई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार यानी सर्कल रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्सिस मार्ग पर परिक्रमण करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन, इनका जो गैलीलियो साहब था इनका ग्रंथ था दी मोशन हाँ दी मोशन यानी गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों को पृष्ठ किया। यह अध्याय समाप्त होता है मेरे दोस्तों, और इस अध्याय के बाद हमारी फिर कक्षा पॉलिटी की प्रारंभ होने वाली है, अगली कक्षा का इंतजार करें और बेसब्री से इसका लुत्फ उठाएं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।